सब्सक्राइब कीजिए मॉकटेल रेसिपीज इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर ऑल सिलेक्ट करके बेस्ट मॉकटेल रेसिपीज सबसे पहले देखें। लेट्स गेट गोइंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनल परेरा और मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग मॉकटेल रेसिपीज जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा नेचुरल पपाया मॉकटेल, और इसे बनाने के लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाला हूँ उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स समझाने के लिए मैंने इनवाइट किया है क्वा न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट डाइटिशियन स्मिताल परेरा को। तो हेलो एंड वेलकम टू मॉकटेल रेसिपीज इंडिया। नमस्कार, मैं डाइटिशियन स्मिताल परेरा हूँ। मुझे इस चैनल पर निमंत्रित करने के लिए मॉकटेल रेसिपीज इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको चार पौष्टिक खाने के पदार्थों के महत्व बताने वाली हूँ। पहला पदार्थ है पपीता, जो बहुत पौष्टिक फल है। पपीता विटामिन ए, सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होता है। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है या पाचन की समस्या है या रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ानी हो तो पपीता का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। पपीता आँखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरा पदार्थ है अदरक यानी जिंजर। अदरक में जिंजर एल्डिहाइड मौजूद होता है जो पाचन शक्ति बढ़ाकर खाने में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अदरक का सेवन करने से सर्दी, खांसी और अन्य रेस्पिरेटरी डिजीजेस से मुक्ति मिलती है। अगला पदार्थ है मनु का शहद, जो सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक माना जाता है। मनु का शहद बैक्टीरिया के प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर करता है और बैक्टीरिया को हमारे शरीर से भगाने में हमारी मदद करता है। इससे बीमारी के अवसर कम हो जाते हैं। आखिरी पदार्थ है नींबू, जिसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है। इससे रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, कब्ज की समस्या दूर हो जाती है, त्वचा पर निखार आता है और पाचन क्रिया भी तंदुरुस्त करने में सहाय होता है। तो चलो अभी हम पपीता का पौष्टिक मॉकटेल बनाते हैं। नेचुरल पपाया मॉकटेल बनाने के लिए लेंगे एक मीडियम साइज पका हुआ पपीता। इस वाले का आकार थोड़ा अटपटा सा है, इसलिए मैंने ये वाला लिया है, और उसे अच्छे से धो के ऐसे काटना है दो टुकड़ों में। अभी लेंगे एक बोल और काटे हुए पपीता के सीड्स चम्मच की मदद से ऐसे बोल में निकालेंगे। सारे बीज निकालने के बाद पपीता के दूसरे टुकड़े के सीड्स भी वैसे ही निकालने हैं। सीड्स को रखते हैं साइड में। अभी एक सूप स्पून की मदद से पपीता का मांस निकाल लेना है। लगभग आधा सेंटीमीटर मांस छोड़ देना है और बाकी जितना हो सके पपाया फ्लेश को स्कूप आउट करें। नेचुरल पपाया मॉकटेल को मैं इसी में सर्व करूंगा। यह एक अच्छा सा खोल बन के रेडी है। इसे रखेंगे साइड में और दूसरे हिस्से के फ्लेश को भी ऐसे ही स्कूप आउट करेंगे। अभी लेना है एक ब्लेंडर जार और उसमें पपाया फ्लेश थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। नेचुरल पपाया मॉकटेल बनाने का हमारा आधा काम अभी हो चुका है। इसे रखते हैं साइड में और अभी लेंगे एक नींबू और उसे 1/2 काटेंगे। नींबू का एक हिस्सा ब्लेंडर जार में निचोड़ेंगे। अब डालेंगे मनु का शहद और अदरक के बारीक कटे हुए टुकड़े। अदरक, नींबू और शहद का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 1 कप पानी डाल के ब्लेंडर जार को बंद करेंगे और इसे 1 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अभी इसे डालेंगे पपीता के इस खोल में और ऊपर वाले हिस्से से ऐसे कवर कर देंगे। थोड़ा सा साइड करके स्ट्रॉ डालेंगे और ये बन के तैयार है नेचुरल पपाया मॉकटेल। वाह, देखने में भी मस्त और स्वाद तो लाजवाब, और पोषण का तो मैंने आपको बताया ही है। तो इस मॉकटेल को आपके घर पे ट्राई करना मत भूलिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस मॉकटेल को जरूर बनाइए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर जरूर करें।
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।